प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं प्रेम सिंह ढिल्लों, साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल मौड़ा, जिला बरनाला। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करदा कि तुसीं अपनी बुक दे अध्याय 14 दे विच्चों ऊर्जा दे सोमवें पाठ पढ़िया होना। उस पाठ दे विच्चों हुण तक तुहानूं परंपरागत स्रोतां बारे जानकारी हो गई होनी आ, जिन्हां दे विच पथराट बालन, थर्मल पावर प्लांट ते हाइड्रो पावर प्लांट जिहड़े ओह परंपरागत स्रोतां दे विच आउंदे आ। लेकिन इह स्रोत जिहड़े आ ओह खत्म होने की कगार ते ने, तां इन्हां नूं खत्म होने तो बचाउण लई असीं नवें स्रोतों की भाल कर रहे हैं, जिन्हां नूं असीं गैर परंपरागत स्रोत कहिंदे आ। वह गैर परंपरागत स्रोत जिन्हां दे विच पवन ऊर्जा, सूरजी ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूताप ऊर्जा ते एक होर है न्यूकलीयर ऊर्जा हुंदा है। इंग्लिश दे विच इन्हां नूं बोलदे आ नॉन कन्वेंशनल सोर्सिज ऑफ एनर्जी। तो अज आपां पहले नंबर ते पढ़ांगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जिहड़ी है वह साडे कोल एक अजिहा स्रोत है, हवा जिहड़ी साडे कोल अजिहा स्रोत है जिस नूं असीं वार वार वरत सकदे हां ते कोई भी प्रदूषण वगैरह नहीं हुंदा। तो इस दी ऊर्जा नूं वरतण लई साडे कोल एक यंत्र है जिसका नाम है पवन चक्की, इंग्लिश जिहनूं कहिंदे आ विंड टरबाइन। ठीक है जी, कि तुहाडे चों किसे ने पवन चक्की देखी आ? तो मैं तुहानूं पहलां उसका एक छोटा जिहा डैमो दिखाना है। देखो तो पहले बच्चे तुसी देख रहे हो कि यह साडी एक टरबाइन बनाई हुई है। प्रैक्टिकल तौर पर यह टरबाइन दे ब्लेड ने, ठीक है, इन्हों पखे भी कह देंगे। और उस तो बाद जो इतने साडा फिट किया हुआ एक छोटी जी मोटर फिट की हुई है, जनरेटर कह सकते हैं, डैनमो कह सकते हो, ठीक है। उस दियां तारां लिया के अगे मैं फिट किया हुआ कनैक्शन एक मीटर के नाल, ताकि तुहानूं इस दे विचों पैदा होने वाली बिजली जिहड़ी है उसका माप दिखाया जा सके। तो उस तो बाद इस नूं बैलेंस किया हुंदा है और एक घूमन लई इत्थे बैरिंग वगैरह लगाया जाता है। और ये इसकी टेल हुंदी है जो इस नूं हवा की दिशा में बना के रखती है। तो मेरे कोल इधरली साइड पर एक फैन रखा हुआ है, उस फैन नूं मैं जदों ही ऑन करांगा तो देखोगे कि हुण इहदा मैं फेस तुहाडे वल कर दिता, पर जदों ही उधरली साइड तो हवा आएगी तो यह घूम के इधरली साइड वल हो जाएगी, तो नाल इधर बिजली ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो देखो मैं इस नूं तुहाडे वल घुमा दिना, देखना तुसीं किस तरह यह अपने आप बैलेंस हो जाएगी। मैं फैन ऑन कर रहा, जिवें ही मैं फैन ऑन किया तो तुसीं देख रहे हो कि टरबाइन का जिहड़ा फेस है वह फैन वल नूं हो गया, तो टेल उसकी अपोजिट साइड पर हो गई। फैन की हवा जिहड़ी वह रूम के घूम रही है, इस करके जिहड़ी टरबाइन है वह लगातार इधर उधर घूम रही है। पर तुसीं मीटर के उत्ते देख रहे हो नाल किन्नी मात्रा के ऊर्जा पैदा हो रही है। तो इस तो बाद तुसीं देखोगे कि ऊर्जा के मीटर के उपर की दिखाई दे रहा। तो तुसीं देख रहे हो इस दे घूमन नाल ऊर्जा पैदा होंदी है, जदों ही ये रुक जाएगी तो मीटर जिहड़ा है वह जीरो माप दिखाउण लग पिया। ता तुहानूं असीं इसका असली रूप दिखाने हैं। तो ये देखो विद्यार्थियों, ये असल विच जो टरबाइन है उसका वीडियो है। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में लगे हुआ टरबाइन सेंटर हैगा, पवन ऊर्जा केंद्र। इत्थे टरबाइना द्वारा ही जिहड़ी बिजली पैदा की जाती है, बहुत सारिया टरबाइना लगिया हुई ने, देख सकते हो तुसीं पिछे। तो इन्ह की ऊर्जा ट्रांसफार्मरस राही जिहड़ा तुसीं देख रहे हो इन राही इकट्ठी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, तुसीं देखिया पवन चक्की की हुंदी है, तो पवन चक्की असल विच किहो जी दिखाई दिंदी है। दूसरा है साडे कोल सूरजी ऊर्जा। सूरजी ऊर्जा भी साडे कोल मुफ्त में मिलने वाली ऊर्जा है। एक सूरज एक साल में लखां जूल ऊर्जा जिहड़ी हैगी उह पैदा करता है, लेकिन वह ऊर्जा ताप के रूप में प्रकाश के रूप में जिहड़ी है वह ब्रह्मांड दे विच बिखरदी रहिंदी है। असी उस ऊर्जा नूं अपने उपयोग लई वरत सकते हैं। उस नूं वरतन लई साडे कोल दो तरीके ने, एक तो है सूरजी कुकर बना के, सूरजी कुकर जां पैराबोलिक दर्पण लगा के, ठीक है जी।
पहला काम है सूरजी कुकर। की तुसी जानते हो कि सूरजी कुकर की हुंदा है ते वो किस तरह काम करता है? आपां तुहानूं दिखाने हैं कि सूरजी कुकर की हुंदा है ते वो किस तरह काम करता है। बच्चों जिहड़ा तुसी ये देख रहे हो ये साढ़े आम वरते जाने वाले सोलर कुकर का मॉडल है। इस दे विच तीन भाग होंदे मुख्य। नंबर एक अवतल दर्पण या परावर्तक दर्पण भी कह दिंदे नूं। दूसरा एक ढक्कन हुंदा है जिस दे विच कच की मोटी शीट लगी हुंदी है। तीसरा एक काला बक्सा। यह काम किस तरह करदा है? जदों सूरज तो आ रही प्रकाश दी किरणां इस दर्पण नाल टकराउंदियां ने तो इस दर्पण के नाल टकराउण तो बाद उन्हां दा फोकस जिहड़ा है वह इस बक्से दे अंदर यानी कि इस कच की शीट नूं पार करके उस दे अंदर पहुँच जांदियां ने। ध्यान रखना कि जिहड़ियां किरणां सूरज तो सीधियां आ रही ने उन्हां दी तरंग लंबाई वधेरे हुंदी है, इसलिए वह आसानी नाल कच की शीट दे पार हो जांदियां ने। पर जदों ही वह कच की शीट के पार होकर बिच रखे हुए खाने के डब्बों नाल जां किसी होर वस्तुओं नाल टकराउंदी है तो उन्हां दी तरंग लंबाई विच परिवर्तन आ जाता है तो उन्हां दी तरंग लंबाई घट हो जाती है। तरंग लंबाई घट होने कारण वह वापस इस कच की शीट विचों बाहर नहीं निकल सकदियां, जिस कारण उन्हां दी सारी जिहड़ी ऊर्जा है उन्हां किरणां दी सारी ऊर्जा वह अंदर रखे हुए पदार्थ नाल पदार्थों द्वारा जिहड़ी उह सोख लई जाती है। लेकिन इस सोलर कुकर दे विच जिथे कुछ लाभ ने जिवें कि यह सानू मुफ्त विच खाना गर्म कर दिंदा है, दूसरा इसका जिहड़ा खाना है वह बहुत ही पौष्टिक हुंदा है, उत्थे नाल नाल इहदियां कुछ हानियां भी ने जिवें कि इस नूं सारे समय लई वरत्या नहीं जा सकता। जदों धुप निकलेगी उदों ही इस नूं वरत्या जा सकता है। ਸਧਾਰਨ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਵਰਤਕ ਦਰਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਢਾਪਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਦਰਪਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਦਰਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ।
की होंगे ने सूरज सैल, तुसी मेरे हाथ दे विच एक छोटा जा टुकड़ा देख रहे हो। ये सिलिकॉन का बनया हुआ एक उपकरण है, इस नूं असीं सोलर सैल आखते हाँ। यह सोलर सैल किस काम लई वरता जाता है? यह सूरज तो आने वाले प्रकाश नूं बिजली ऊर्जा विच रूपांतरित कर देता है। जेकर असीं एक तो बधेरे सैल एक दूसरे के नाल लड़ीबद्ध जोड़ लईए तां असीं बधेरे पोटेंशियल अंतर पैदा कर सकते हैं। जेकर असीं इन्हां नूं एक तो बधेरे समांतर जोड़ लईए तां असीं बधेरे करंट पैदा जिहड़ा है वह कर सकते हैं। तो मैं तुहानूं एक उदाहरण दिखाना। मेरे कोल ये मैं कुछ पैनल जिहड़े है उन्हां नूं लड़ीबद्ध अते समांतर जोड़ के रखा होया है। इन्हां दे विचों तीन जिहड़े ने लड़ीबद्ध जोड़े होए आ, तीन उन्हां दे समांतर जोड़े होए आ। तो असी देखते हैं कि ये किस तरह ऊर्जा पैदा करते हैं। देखो तुसी इसका प्रैक्टिकल। तो यह है मेरे को सोलर पैनल और ये मेरे को मल्टीमीटर है। मैं इस दे जिहड़े कनैक्शन है ये इस दे विचों आने वाली लीड है, इस दे कनैक्शन मैं अपने मल्टीमीटर नाल करदा। तुसी देखो ज्यों ही मैं इस दे कनैक्शन किए तो इस दे विचों तुहानू जिहड़ा कुछ माप दिखाई देने लग पिया। पर ज्यों ही इस दे पैनलों के उपर मैं बधेरे रोशनी पाउंदा हाँ अपनी टॉर्च के नाल, तां तुसी इधर माप का ध्यान दिओ कि बधेरे ऊर्जा जिहड़ी आ पैदा होनी शुरू हो गई है, वध बिजली जिहड़ी आ पैदा हो रही है। तो इस तरह जदों इन्हां नूं असीं सूरज के प्रकाश के सामने रखते हैं तो होर भी बधेरे ऊर्जा जिहड़ी आ पैदा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं सूरज कुकर ते सूरजी सैल सूरजी पैनलों बारे पढ़िया, जिथे इन्हां दे बहुत सारे सानू लाभ होए कि यह सानू लाभ दे विच की कहा जाए, मुफ्त ऊर्जा देंदे ने, ठीक है जी। दूसरा है प्रदूषण रहित ऊर्जा देंदे ने, प्रदूषण रहित ऊर्जा देंदे ने। और सांभ संभाल घट करनी पैंदी है, तो ये अपने कोल तीन मुढ़ले लाभ ने जिहड़े कि सूरजी ऊर्जा तो मिलते हैं सानू। लेकिन इस दे नाल साडे कोल हानियां भी ने। हानियां की ने कि हर समय जिहड़ा है इसनों यूज नहीं कर सकते, इसनों वरतों नहीं कर सकते, हर समय नहीं वरत सकते। क्यों नहीं वरत सकते? क्योंकि बाहर बदल हो गए तां भी तुसी इसकी वरतों नहीं कर सकते, बाहर अंधेरा हो गया तां भी तुसी सूरज तो मिलने वाली ऊर्जा की वरतों नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो तीसरा, हर खेत्र विच इसकी वरतों नहीं की जा सकती, हर खेत्र विच नहीं वरत सकते। क्यों नहीं वरत सकते? क्योंकि बहुते खेत्रां विच सूरज ज़्यादा लंबा समा दिखाई देता है, लेकिन ध्रुवों वाले खेत्रां दे विच जिहड़ा सूरज है वह बहुत घट समा दिखाई देता है, जिस कारण असी ध्रुवी खेत्रां दे विच इन्हां दी वरतों नहीं कर सकते। जां कुछ पहाड़ी खेत्र जिथे सूरज घट समय लई दिखाई देता है तो उत्थे भी असी इन्हां दी वरतों नहीं कर सकते। तीसरा है कि इन्हां दी लागत बहुत ज़्यादा है, लागत बहुत ज़्यादा है। जिन्हें भी साढ़े सूरजी पैनल ने जां सूरज कुकर बनाने वाला समान है उन्हां दी जिहड़ी लागत खर्चा है वह बहुत ज़्यादा है। इस करके ये हरेक घर दे विच जां हरेक व्यक्ति द्वारा लगाने अजे संभव नहीं है। तीसरा है साढ़े कोल समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा तो भाव है समुद्र तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा। समुद्र तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा असी मुख्य तौर पर तीन भागों में वंडते हैं। नंबर एक जी साढ़े कोल ऊर्जा है वह है जवार ऊर्जा। जवार ऊर्जा कहते हैं टाइडल एनर्जी।
टेरल एनर्जी होंगी की है? टेरल एनर्जी तो भाव जदों ये साड़ी धरती है इसके आले दुआले चंद्रमा जड़ा है वो अपना घेरा जड़ा है जां ऑर्बिट जड़ा है वो पूरा करता है। तो जदों ही चंद्रमा जिस साइड पर आता है उस साइड पर समुद्र का पानी जड़ा है वह खिंचा जाता है। जे चंद्रमा इस साइड पर पहुँच जाता है तो सूरज चंद्रमा की खिच के कारण जड़ा पानी है वह इधरली साइड में आ जाएगा। तो इधर असं बोलते हैं हाई टाइड यानी कि ज्वार भाटा आना। ज्यों ही चंद्रमा अपनी परिक्रमा करता हुआ अगे लंघता है तो वह दूसरी साइड पर पहुँचता है तो यह पानी जड़ा है इधरों उतर जाता जिसनों असं लो टाइड बोलते हैं। लेकिन पानी जड़ा है वह चंद्रमा की खिच के कारण दूसरी साइड पर पहुँच जाता। तो इधर जड़ा है ज्वार भाटा आना हो गया तो इधर ज्वार भाटा जाना हो गया। ठीक है, इधर असं लो टाइड कहेंगे हूँ तो जिधर चंद्रमा पहुँच गया तो उधरली साइड पर पानी जड़ा है वधेरे ऊंचाई पर पहुँच जाता समुद्र का जिसनों असी हाई टाइड कहते हैं। लेकिन इस नाल हुंदा की है, इस नाल असी बिजली पैदा कर सकते हैं। असी की करते हैं एक बन बना लैंदे हां समुद्र के किनारे ते। समुद्र के किनारे ते बन बनाउण तों बाद जदों ही समुद्र का पानी उपर चढ़ता है तो साढ़े जिहड़ा ये स्टोर खेत्र हैगा जिथे असी पानी नूं की है एक दरवाजे के राही अंदर ले आने। ठीक है, तो इसनों तुसी एक वीडियो राही समझो ज़्यादा समझ आएगा। तो इधर जिहड़ा पानी वह आ जाता तो इत्थे लगी हुई टरबाइन के राही जिहड़ा है इसनों असी घुमा सकते हैं। देखो तुसी वीडियो दे विच एनीमेशन वीडियो तुहानू दिखाने हैं। ज्वार ऊर्जा काम किवें करती है? इसलिए समुद्र का एक अजिहा भाग चुनिया जाता है जिथे कोई तिकोणी खेत्र बनता हो उस दे विच एक दीवार बना ली जाती है और दीवार दे उपर एक गेट ते उस दे हेठले पासे एक टरबाइन लगा दी जाती है जिस दे रास्ते पानी जड़ा है वह दीवार दे आर पार जा सके। हाई टाइड दे टाइम ते ज्वार भाटा आने दे टाइम ते पानी जड़ा है वह टरबाइन दे राही तिकोनी खेत्र विच भर जाता है ते उस तों बाद गेट जड़े है वह बंद कर दिते जाते हैं। ज्यों ही ज्वार भाटा उतरदा है तां तिकोणी खेत्र विच पानी दा जिहड़ा खेत्र है वह ज़्यादा हुंदा है। उस टाइम ते असीं की करदे आं गेट जिहड़े है वह खोल दिते जांदे आ ते उधरले पानी दे बहाव दे कारण टरबाइन जिहड़ी है वह घूमना शुरू कर दिंदी है जिस तों बिजली पैदा हुंदी है। ज्यों ही पानी हेठां जांदा है गेट दुबारे तों बंद कर दिते जांदे ने। ज्यों ही दुबारे तों ज्वार भाटा आउंदा है तो फिर तो असी गेट जड़े है वह खोल दें। ज्यों ही गेट खोलते हैं तो बाहरले पानी के दबाव के कारण टरबाइन दुबारे तो घूमना शुरू हो जाती है और नाल ही तिकोणी खेत्र में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह यह प्रोसैस चलता रहता तो बिजली पैदा होंगी रही है। हमने तुम टाइड बारे सीखा कि किस तरह असी टाइडल ऊर्जा यानी कि एनर्जी जी है उसनों वरत सकते हैं। और उस तो बाद दूसरा साढ़े को है तरंग ऊर्जा। समुद्र के जो लहर उठदिया ने तो उन्होंने द्वारा भी असं ऊर्जा प्राप्त कर सकते हाँ। तरंग ऊर्जा असी वेव एनर्जी कहने। जो समुद्र के बड़िया बड़िया लहर उठदिया ने तो उन्होंने उपर कुछ जड़े यंत्र फिट करते हैं असी जिस नाल टरबाइना जड़िया ने घूमनिया शुरू हो जाए ने तो वह टरबाइना हमेशा किसी भी दिशा के चलाइए असी लहरों तो टरबाइन की जड़िया गति है वह एक ही दिशा में रही है उसनों तुसी वीडियो राही देखो। इसनों असी दो रूपों के वरत सकते हैं वह दोने ही तुहानू असी एनीमेशन वीडियो के राही दिखाने। तुसी देख रहे हो कि तरंगा के उपर या समुद्री लहरों के उपर दो पैडल दिखाई दे रहे ने। ये पैडल लहरों के नाल हलदे रहिंदे ने ते इन्हां दे नाल नीचे तुसी देख रहे हो जिथे मेरा एरो लगाया उत्थे पंप लगे हुए ने। ये पंप हवा का दबाव बना के उस नूं अगे जुड़े हुए सिलंडरां दे विच भरदे रहिंदे ने।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਵਾ ਦਬਾਅ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਭਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੁਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬੈਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ, ਓ ਟੀ ਈ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ -33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 240 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪ ਨਾਲ, ਅਮੋਨੀਆ ਭਾਫ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਬਾਈਨ ਘੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਟਰ ਘੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਨੀਆ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਤਹ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ। ਭੂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਫ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ਼ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੈਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਸ ਭਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਭਾਫ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਛਾਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਫ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰੇਟਰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂਤਾਪ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹਲਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰੀ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਲਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਐਕਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਐਕਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਵਿਖੰਡਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਵਿਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਭੂਤਾਪ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।